ऐसा कहा जाता है कि क्रिसमस ईव यानी कि क्रिसमस के एक दिन पहले या फिर क्रिसमस के दिन सांता 8-12 सिंगों वाली गाड़ी यानी कि स्लेज पर बैठ कर आते हैं और अपनी झोली से गिफ्ट्स निकाल कर बच्चों को बांटते हैं। लेकिन सांता क्लॉस है कौन जो हर साल क्रिसमस पर आते हैं और बच्चों को तोहफे देकर चले जाते हैं। यदि आपको नहीं पता तो ये खबर आपके काम की है। आज इस खबर में हम आपको बताएंगे कि सांता है कौन, जिन्हें आज हम सभी सांता क्लॉस के नाम से जानते हैं। प्रचलित कहानियों के अनुसार 4वीं शताब्दी में एशिया माइनर की एक जगह मयारा, जिसे आज तुर्की के नाम से जाना जाता है, उसमें निकोलस का जन्म हुआ था। निकोलस हमेशा गरीबों की मदद करते थे, उन्हें सीक्रेट गिफ्ट देकर खुश करने की कोशिश करते थे। एक बार की बात है कि एक गरीब पिता के पास अपनी बेटियों की शादी करने के लिए पैसे नहीं थे। इस बात का पता लगते ही निकोलस उनकी मदद करने पहुंच गए। उस व्यक्ति ने अपना मोजा चिमनी में सूखने के लिए रखा था। इस दौरान निकोलस ने सोने से भरा बैग उस चिमनी पर रख दिया। तभी से पूरी दुनिया में क्रिसमस के दिन मोजे में गिफ्ट देने का रिवाज चला आ रहा है। मोजे में सोने से भरा बैग उसके घर में गिरा। ऐसा उसके साथ एक बार नहीं 3 बार हुआ। आखिर उस व्यक्ति ने निकोलस को देख लिया। धीरे धीरे निकोलस की कहानी लोगों तक पहुंचने लगी। इसके बाद पूरी दुनिया में क्रिसमस के दिन मोजे में गिफ्ट देने यानी कि सीक्रेट सेंटा का रिवाज शुरू हो गया। निकोलस को लोग संत मानने लगे और उन्हें आदर के साथ क्लॉस कहना शुरू कर दिया। कैथोलिक चर्च में उन्हें संत का दर्जा भी दिया गया, इसलिए उन्हें सांता क्लॉस कहा जाता है। क्रिसमस के दिन ईसाई समुदाय के बच्चे रात में अपने घर के बाहर जुराबे यानी कि मोजे सुखाते हैं। मान्यता है कि सांता क्लॉस रात में चुपके से आकर उनकी जुराब यानी कि मोजे में उपहार भरकर चले जाते हैं। इस वजह से बच्चों में इस त्यौहार को लेकर काफी उत्साह और उमंग देखने बनता है। पूरी दुनिया क्रिसमस का त्यौहार हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाती है।